माय चैनल। आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये, उपमा की रेसिपी आज हम लेकर आए हैं। बहुत इजी तरीके से आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे और बहुत ही लाइट वेटेड रेसिपी है, ज़्यादा कुछ लगना नहीं है इसमें। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम ये रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। समय समय पर नोटिफिकेशन के लिए ऑल आइकन को प्रेस करिए। आज जो उपमा की हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं उसके इंग्रेडिएंट हैं जो आज हमें लगने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी डाल देंगे। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो घी हमने सूजी को थोड़ा सा भूंजने के लिए लिया हुआ है। एक बाउल के हिसाब से आप सूजी ले लीजिए और सूजी को आप गोल्डन ब्राउन तक रोस्ट कर लीजिए। सूजी को अच्छे तरीके से रोस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो उपमा जो है हमारा कच्चा सा लगेगा। तो थोड़ा सा आप लो फ्लेम में इसको रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारा जो उपमा है एकदम रोस्ट हो गया है, गोल्डन ब्राउन है, एकदम कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है वाइट से। इस तरीके से आपको भूंज लेना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें नेक्स्ट स्टेप में एक पैन लेना है और 2 बाउल के हिसाब से हमें पानी को गर्म कर लेना है। पानी को आप गर्म कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा बाउल हो जाए, हमें पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें हम एक टेबल स्पून की तरफ घी लेंगे और इसमें जो हमारा पीनट्स है उसको हम रोस्ट कर लेंगे। पीनट्स को हम पहले ही रोस्ट कर लेंगे क्योंकि पीनट्स थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आप पीनट्स को रोस्ट कर लीजिए। पीनट के बाद हम इसमें केशु डालेंगे। तो पीनट थोड़ा देर में होता है इसलिए हमने पीनट को थोड़ा सा, मूंगफली जो हमारी है जल्दी से रोस्ट कर लिया और साइड में हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हम थोड़े से निकाल दिया इसको। अब इसी घी में जो रह गया है इसी में हम इसमें केशूज डालेंगे। काजू आप डाल दीजिए, 4 से 5 हमने काजू इसमें डाल दिए। काजू जो है जल्दी हो जाते हैं इसलिए हमने बाद में डाले हैं और आप फ्राई कर लीजिए। अब देखिए फ्राई हो गए थे हमारे, 1 टेबल स्पून हमने फिर घी लिया हुआ है इसमें और इसमें 1 चम्मच हमने मस्टर्ड सीड जो है राई लिया हुआ है और कटे हुए प्याज लिया है 1 कटोरी और इनको अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम एक से हमने कैरेट डाल दिया है, गाजर और जो हमने शिमला मिर्च कटी हुई डाली थी वो शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इसमें हमने 1 हरी मिर्च ली हुई है और काट के इसमें हम डाल दे रहे हैं। मिक्स करते जाइए। अगर आपको वेजिटेबल कम लगे तो आप फिर से वेजिटेबल और डाल सकते हैं। 1 कटोरी हम इसमें पोटैटोज डाल रहे हैं और हम जो गाजर थे हमने पहले ही डाल दिया है। ठीक है, सब्जी है अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। सब्जी जो है हमारी अच्छे से पकना चाहिए। आप इसमें करी लीव भी ऐड कर सकते हो जो कि मैंने बाद में पॉज करके वीडियो डाल दी हुई है, आप करी लीव भी इसमें डाल सकते हो क्योंकि उपमा जो साउथ इंडियन डिश है उपमा में बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने 2 मिनट से 5 मिनट तक ढक के रखा था इसको, अच्छे से स्टीम हो गया। अब इसमें हमने पी डाल दिया हुआ है मटर, तो 1 कटोरी लगभग आप मटर डाल दीजिए। फिर वापस से हम इसको ढक देंगे जिससे जो सब्जी है अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि सब्जी है अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो 5 से 2 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और अब इसको हम निकाल के देखते हैं। देखिए सब्जी एकदम अच्छे तरीके से पक गई है और कलर जो है वेजिटेबल का बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, कलरफुल है हमारी जो वेजिटेबल है। इतनी सारी वेजिटेबल हैं, आप और भी वेजिटेबल्स में डाल सकते हो। देखिए इस टाइप से मैंने कट करके दिखाया है, गाजर इस तरीके से पक गई है और कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और इसमें जो हमने मूँगफली भूंजी हुई थी आप रोस्ट की हुई मूँगफली डाल दीजिए और कैश्यूज भी। थोड़ा सा आप चला दीजिए इसको। 1 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लीजिए सॉल्ट को।
और जो सूजी आपने रोस्ट करके रखी थी उसमें इसको डाल दीजिए। सारी सूजी हमने डाल दी हुई है, अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब्जी के साथ। अब जो पानी हमने जो बॉईल करके रखा हुआ था वो गर्म पानी हम इसमें पूरा डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए क्योंकि जो ऊपर है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए। अब हमने सारा पानी डाल दिया हुआ है, अब मिक्स कर लीजिए। जो उपमा की रेसिपी है बहुत इजी है, आपको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे चलाते रहना है, थोड़ा सा ढक कर रख दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। जो उपमा है हमारा एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से कलर आ रहा है इसमें। अब देखिए जो उपमा है हमने ढक के रख दिया है, 2 से 3 मिनट स्टीम करके रख दीजिए इसको, ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है। उतने से ही पानी में हमारा उपमा रेडी हो जाएगा। देखिए तरीके से हमारा उपमा है जो एकदम तैयार हो गया है। आपको आप इसको गरम गरम परोसिए, खाइए। और रेसिपी कैसे लगी होगी, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करना ना भूलिएगा, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।